इस मॉडल ने फेस पर लगाया पीरियड ब्लड, वजह है बेहद खास। संस्कृति रीति रिवाजों से बने भारत देश में शुरू से ही लड़कियों के लिए हर तरह के अच्छे बुरे नियम कानून बनाए गए हैं, जिसमें सबसे कड़े नियम लड़कियों उस वक्त निभाने के लिए कहा जाता है जब महिलाएं अपने पीरियड डेज से गुजरती है। उनके लिए एक नहीं बल्कि 100 तरह के नियम लागू किए जाते हैं, लेकिन अब इसके प्रति भी लोग जागरूक बनते जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन कर रही है, जिसके बाद पीरियड्स पर लोगों की छोटी सोच के लिए कई तरह तरह अभियान चलाए जा रहे हैं। वही एक मॉडल ने अपने फेस पर पीरियड ब्लड लगाकर सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड की है। हाल ही में ग्वालियर में लड़कियों ने पीरियड्स के दिनों में यूज होने वाले सैनिटरी नैपकिन को लेकर एक अभियान चलाया था, जिसमें उनका कहना था कि महिलाओं के लिए नैपकिन बेहद जरूरी होते हैं और इसको जीएसटी के दायरे में रख कर सरकार ने गलत फैसला लिया है और उस पर 12% जीएसटी लगाकर महिलाओं को इसे खरीदने पर मुश्किलें खड़ी कर दी है, जिसके बाद महिलाओं ने पैड्स पर पीएम को संदेश लेकर भेजे। लेकिन इसी के साथ अब एक मॉडल ने भी पीरियड्स बल्ब को अपने फेस पर लगाकर एक अनोखे तरीके से लोगों को संदेश दिया है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व हेयर ड्रेसर याजमिना जीड ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर शेयर की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना की जा रही है। लेकिन मॉडल की ऐसी फोटो पोस्ट करने के पीछे का विषय बेहद ही खास है। दरअसल मॉडल ने अपने फेस पर हर महीने होने वाले पीरियड ब्लड को लगाया है, जिसे दिखाकर वो सबको ये मैसेज दे रही है कि माँ से खून भी आम खून की तरह होता है, जो शरीर में कट लग जाने पर निकलता है, ठीक उसी तरह ये ब्लड होता है, इसलिए इसे गंदा या अशुद्ध ना समझे। मॉडल की इस तरह फोटो अपलोड करने के बाद लोगों में काफी आक्रोश है, क्योंकि लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया जा रहा है। लेकिन बात जो भी हो, ये सच है कि इस तरह से लोगों की समझ में ये डालना कि पीरियड्स में निकलने वाला ब्लड अशुद्ध नहीं होता है, ये वाकई एक नई सोच को जन्म दे रही है।